स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है बेसिक डेफिनेशंस, बुनियादी तारीफें। तो इसमें हमने मैटर की डेफिनेशन की थी, हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल देखी थी कि हमारी बॉडी या हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ पाई जाती है, ये मैटर के एग्जाम्पल है। फिर हमने कहा कि मैटर 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फिर हमने देखा कि अगर मैटर प्योर फॉर्म में पाया जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं सब्सटेंस, और अगर इम्प्योर हालत में मैटर पाया जाता है यानी कि ना खालस हालत में, तो फिर हम उसे कहते हैं मिक्सचर। स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ना है वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं इनकी डेफिनेशन करता हूँ। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। वो खसूसियात जिनका ताल्लुक मादे की तबी हालत से है, उन खसूसियात को हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि तबी खसूसियात। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी तबी खसूसियात हैं जी? कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि तबी खसूसियात हैं। कलर हो गया यानी कि किसी शय का रंग, स्मेल यानी कि बू, टेस्ट, जायका, हार्डनेस यानी सख्तपन, शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की शक्ल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग आर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कुछ खसूसियात थी जिन्हें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनका ताल्लुक मादे की तबी हालत यानी के फिज़िकल स्टेट से है। हम यहाँ पे एक फिज़िकल चेंज के बारे में भी बात करते हैं। व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, तो ये पिघलती है और पानी बनाती है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड, जब पानी को हम मज़ीद हीट करते हैं, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो ये बॉयल होता है और उससे भाप पैदा होता है। इन द एंटायर प्रोसेस, इस सारे अमल में ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, सिर्फ पानी की तबी हालत चेंज हुई है। वेयर एज, जबकि इट्स कंपोजिशन रिमेंस द सेम, इसकी कंपोजिशन सेम रही है, कंपोजिशन में इसकी में कोई चेंज नहीं आया। स्टूडेंट्स वो आपसे बात कर रहा है कि वो खसूसियात जिनका ताल्लुक मादे की तबी हालत से होता है, उन खसूसियात को हम कहते हैं तबी खसूसियात यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनमें फिर वो एग्जांपल भी दे रहा है, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। ये तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसने एक फ़िज़िकल चेंज की भी बात की है कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ गर्म होके पिघलती है और पानी बनाती है, और जब हम पानी को मज़ीद गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और बॉयल होके भाप में तब्दील होता है। इस सारे अमल में यानी कि बर्फ़ से पानी और पानी से भाप का बनना, ये जो सारा अमल है इसमें सिर्फ पानी की फिज़िकल स्टेट चेंज हुई है, जबकि पानी की कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब कि ये जो चेंज है ये फिज़िकल चेंज है, और जिन खसूसियात का ताल्लुक इस फिज़िकल चेंज से है उन खसूसियात को हम कहेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो खसूसियात जिनका ताल्लुक किसी शय की कंपोजिशन से होता है, उन खसूसियात को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि कीमियाई खसूसियात। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली हो जाती है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, तो उसकी कंपोजिशन यानी तरकीब भी चेंज हो जाती है, एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नई शय बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ केमिकल चेंज, पानी का डीकम्पोज होना ये केमिकल तब्दीली है,
एंड एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, जैसा कि ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा करता है। स्टूडेंट्स, वो आपसे कह रहा है कि वो तमाम खसूसियात जिनका ताल्लुक किसी शय की कंपोजिशन यानी तरकीब से होता है, उन खसूसियात को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कीमियाई खसूसियात। और जब किसी शय में कोई केमिकल चेंज आ जाती है, कीमियाई तब्दीली आ जाती है, तो उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है यानी कि उसकी तरकीब तब्दील हो जाती है और एक नई चीज़ बन जाती है, और उस नई चीज़ की खसूसियात एंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग वन यानी शुरू वाली चीज़ से। फिर वो बात कर रहा है कि जब पानी में कोई केमिकल चेंज आती है यानी कि पानी की कंपोजिशन चेंज होती है, तो पानी तब्दील हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में, यानी कि पानी से एक नई चीज़ बन जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। क्यों ये नई चीज़ बन रही है? क्योंकि पानी की कंपोजिशन चेंज हो रही है, और जब पानी की कंपोजिशन चेंज हो रही है तो मतलब पानी में केमिकल चेंज आ रही है और उससे नई चीज़ें बन रही हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। स्टूडेंट्स, आज हमने बात की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये दोनों मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक किसी शय की फिजिकल स्टेट से होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक किसी शय की कंपोजिशन से होता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मैटर, मैटर की तारीफ करें। तो ये हमारी पिछली क्लास वाला ही क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, ये भी पिछली क्लास का क्वेश्चन है। आज की क्लास से रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तारीफ करें। तो इसमें आपने डेफिनेशन करनी है तभी खसूसियात की, कि वो प्रॉपर्टीज़, वो खसूसियात जिनका ताल्लुक किसी शय की तबी हालत से यानी कि फिजिकल स्टेट से होता है, उन खसूसियात को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें आपने एग्जांपल भी दे देनी है, कलर, स्मेल, टेस्ट, सॉलिबिलिटी, शेप ऑफ क्रिस्टल एट्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये तबी खसूसियात हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खसूसियात की तारीफ करें। तो इसमें आपने डेफिनेशन करनी है कि वो प्रॉपर्टीज़, वो खसूसियात जिनका ताल्लुक किसी शय की कंपोजिशन से होता है, उन खसूसियात को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि कीमियाई खसूसियात। और इसमें आपने पानी वाली एग्जांपल भी देनी है कि जैसे कि जब पानी में केमिकल चेंज आती है तो उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस। अब जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। ये आपने इतना नहीं लिखना, वी नो डैट, ये वाली लाइन आपने पूरी नहीं लिखनी, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है द फिजिकल प्रॉपर्टी से लेके ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से याद करना है, और ये वाला पैराग्राफ आपने करना है यहाँ तक गैसेस तक याद करना है। फ्रेंड्स, ये था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।